देता है। जिस दिन से बेटी पैदा होती है उसके मन में उसी दिन से टेंशन आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए बढ़िया योग्य वर देखना है, इसके लिए बढ़िया सुंदर सा घर देखना है। बहुत सोचता है वो, पर 2 साल के प्रेम 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 क्या मैं आसक्ति कहूंगा, 2 साल के इस बाबू सोना की चोचलेबाजी में पड़ के 20 साल के माँ बाप का प्रेम ठुकरा करके भाग खड़ी होती है। ऐसी बेटी जीवन में सुखी नहीं रह सकती कभी भी। और यही नहीं, कई तो हिंदू धर्म को छोड़ करके भी जाती हैं, लेकिन एक दिन परिणाम क्या होता है, या तो काटी जाती है, या तो जलाई जाती है, या तो मारी जाती है। जब जब कोई रूबी रूबी ना बनी है तब तब या तो फ्रिज में टुकड़े मिले हैं या तो फिर गलियों में टुकड़े मिले हैं। इसलिए ऐसा काम कभी भी मत करना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अपने हैं, जो सोचेंगे वो तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, वो सदैव तुम्हारे लिए अच्छा और उचित सोचेंगे। सहस्र स्वीकार करना अपने माँ बाप की बात। ये अट्रैक्शन सिर्फ 1-2 साल का है, चमड़ी का अट्रैक्शन सिर्फ, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। बहुत क्षणिक सुख होता है ये चमड़ी का, एक दिन सब बराबर मिट जाएगा, लेकिन उस दिन पछताने से क्या होगा। उस दिन तुम्हारा बाप समाज में सर उठाकर नहीं चल पाएगा, खुल के बोल नहीं पाएगा। क्यों पता नहीं, कोई कौन मेरी बेटी बेटी के बारे में कह दे। इसलिए अपने बाप को विकलांग मत बनाना, लाचार मत बनाना, अपने माँ बाप की आज्ञा से ही विवाह करना। और बेटों से भी ये निवेदन है, जहां माँ बाप कहें अच्छा ही खोजेंगे तुम्हारे लिए। घर में ऐसी बहू आए जो संस्कारी हो, ऐसी आए बड्डे, वो नहीं चाहिए पिकनिक वाली, नहीं चाहिए, एक माँ बाप को क्या चाहिए, संस्कारी बहू यही तो चाहिए। वो अपनी दृष्टि से ढूंढेंगे तो तुम्हारा भी जीवन सुखी होगा, सुखमय होगा। इसलिए भैया निवेदन है पूरे भारत के जितने भी संस्कार चैनल पर सुन रहे हैं, इन कामों से बचो। करदम जी महाराज ने सर झुका दिया, सरकार मैं क्या बताऊं। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए, शादी करोगे? अब करदम जी कैसे कहे, मन तो बहुत है पर सरकार अब आपने देख कह ही दिया है तो देख लो, कोई देख राखी है वो ठीक ठाक। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत बढ़िया देख राखी है। कौन? बोले मनु महाराज की कन्या है देवहूति जी। करदम ने कहा प्रभु एक शर्त है, मैं विवाह तो करूंगा लेकिन जैसे पहला पुत्र होगा मैं वैराग्य धारण कर लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आए, देवहूति जी का विवाह करदम के साथ किया। करदम जी जैसे विवाह करके लाए देवहूति को और कहा देवी देवहूति जरा बैठो मैं भजन कर लूं, और भजन करने बैठे तो अखंड समाधि लग गई, कई कई हजारों वर्षों की समाधि लग गई। एक बात और कह दूं, विवाह केवल भोग का साधन नहीं है, वास्तव में दाम्पत्य जीवन योग का साधन है न कि भोग का साधन। आजकल एक फैशन चल गया है, शादी हुई तो फिर हनीमून पैकेज हो, फिर यहां जाए फिर वहां जाए। नहीं नहीं नहीं, विवाह होने के बाद सबसे पहले तीर्थ स्थल, सबसे पहले मंदिर में दर्शन करो, और नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान की उपासना करो।